जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेकर कर आगे सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों आज का जो टेस्ट होगा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है अगर आप तैयारी करें दोस्तों एस एस सी जी डी सी एम टी एस यू पी एस आई यू पी लेखपाल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें जैसे आपका आर आरबीएलपी यूपीएसआई यूपीएससी बैंकिंग पीओ आई बी पी एस डेली पुलिस कॉन्स्टेबल स्टेट पुलिस कोई भी आपका कंपिटेटिव एग्जाम चाहे आप लोग फ्रेंड्स सुपर टेन एग्जाम के लिए तैयारी करें बी एड एंट्रेंस के लिए तैयारी करें तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है इसके अंदर आपको हैंडर्ड क्वेश्चन करने को मिलेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक है दोस्तों अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉन कर को लेंगे जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो आपके पास सबसे पहले जाएगा जिससे आप वीडियो को आते ही आप उस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा पाएंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जुड़ दीजिए जिससे कि आपके सभी डाउट्स यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लियर होते चलेंगे और ज्यादा ज्यादा कमेंट करेंगे आप सभी साथ ही इस वीडियो में हमें कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिएगा फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है चलेगा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइएगा फ्रेंड्स फटाफट से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो फ्रेंड्स याद रखना अनाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अनाई मुदी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए ताकि आपके डाउट जो हैं वो साथ साथ क्लियर होते चले तो सभी साथी आंसर कमेंट जरूर करेंगे चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है तो याद रखना लेटराइट मिट्टी होती है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत में चाय की खेती सबसे अधिक कहां होती है तो याद रखना आप लोग असम राज्य में भारत में चाय की खेती सबसे अधिक होती है और दोस्तों याद रखिए चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा थीन चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है आप लोग याद रखना नेक्स्ट है वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है फटाफट आंसर तो देंगे सभी साथी लाइक शेयर करते हुए वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है तो दोस्तों याद रखना गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है जल्दी से आंसर देंगे दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो फ्रेंड्स याद रखना कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कावेरी नदी आप लोग याद रखेगा चलेगा फटाफट से, चले से मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है जल्दी फ्रेंग से आंसर लगाएगा फ्रेंड्स से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स याद रखना पेडोलॉजी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा याद है फ्रेंड्स मिट्टी का पेडोलॉजी कहलाता है ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए पेडोलॉजी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है तो फटाफट कीजिएगा फ्रेंड्स याद रखना बैरन द्वीप आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा याद रखें फ्रेंड्स भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है चलिएगा सोमपेंस जनजाति कहां के निवासी हैं सोमपेंस जनजाति कहां के निवासी हैं सभी साथी आंसर करेंगे फ्रेंड्स याद रखना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी साथी लाइक शेयर करते हुए आंसर देंगे क्योंकि दोस्तों आपका लाइक शेयर ही होता है जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है जिससे हम आपके लिए मोटिवेट होकर और बेहतर क्लास यहाँ पर लेकर आते हैं तो लाइक शेयर करते हुए सभी साथी आंसर देंगे तो दोस्तों याद रखना आप लोग निकोबार द्वीप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा तो जनजाति निकोबार द्वीप के निवासी हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा निकोबार द्वीप याद रखिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स याद रखना बंगाल की खाड़ी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है भारत का कौन सा द्वीप परवाल निर्मित है आप सभी साथी आंसर करेंगे फ्रेंड्स याद रखना लक्ष्य द्वीप आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स लक्ष्य द्वीप आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आप लोग याद रखना नेक्स्ट है चलिएगा भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आपसे भी साथियों का फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है तो फ्रेंड्स याद रखना छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार आप लोग याद रखेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है चलिएगा जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों फटाफट कमेंट करना जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था तो याद रखिए फ्रेंड्स फ्रेंड सागर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले तेतिस सागर था ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है तो फ्रेंड्स याद रखना वलित पर्वत है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा हिमालय वलित श्रेणी की पर्वत माला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है तो दोस्तों देखिए कावेरी नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है लेकिन निर्म ताप्ती नदी करती नहीं करती है नर्मदा भी नहीं करती है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी ठीक है ना कावेरी नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है लेकिन ताप्ती और नर्मदा नदी दोनों क्या है डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा ए और बी दोनों आप लोगों याद रखना नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है सभी साथ ही आंसर देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों धुआंधार जल प्रपात किस नदी में गिरती है तो याद रखना फ्रेंड्स नर्मदा नदी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा याद रखिए धुआंधार धुआधारलप्रपात नदी नर्मदा नदी में गिरती है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक शेयर जरूर कर देंगे आप सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों फटाफट कमेंट करना चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है तो दोस्तों याद रखना पेट्रोलॉजी ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन क्लियर राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है चलिएगा झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है आप भी साथी आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स याद रखना लिम्नोलॉजी झीलों का देने लिम्नोलॉजी कहलाता है ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी आपका राइट आंसर होगा आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है चलिएगा पुरानी जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है पुरानी जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है आप सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से लाइक शेयर करने के लिए क्लास का जुड़ने के लिए सभी साथियों का दिल से धन्यवाद दोस्तों याद रखना मॉर्निंग में पहली क्लास मिनट पर रहती है उसके बाद दोस्तों दोपहर साढ़े बारह बजे रीजनिंग की क्लास जरूर लगाइएगा तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहां पर बांगर पुरानी जलोड मिट्टी को बांगर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए बांगर राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है दोस्तों तो याद रखना आप लोग पेडी प्लेन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स पवन द्वारा निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट है नवीन जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है नवीन जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों साथियों याद रखना खादर पुरान नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा खादर आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है चलेगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है सभी साथ ही आंसर कमेंट करेंगे फटाफट से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है तो फ्रेंड्स याद रखना अमरकंटक ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स अमरकंटक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आप लोग याद रखिए नेक्स्ट है चलिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों फटाफट कमेंट कीजिए तो याद रखना सांगपो के नाम से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है लक्ष्य द्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है लक्ष्य द्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है सभी साथ आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स याद रखना थर्टी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा लक्ष्य द्वीप में द्वीपों की कुल संख्या थर्टी सिक्स है आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कमेंट कीजिए पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आप भी साथी आंसर कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है साथियों याद रखना दो दा बेटा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है गारो खासी जयंतिया जनजातियां भारत के किस राज्य में रहती हैं गारो खासी जयंतिया जनजातियां भारत के किस राज्य में रहती हैं तो दोस्तों याद रखना मेघालय राज्य में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए मेघालय में दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है याद रखना माशिंद्रामी ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखिए और सबसे कम कहां होती है सबसे कम वर्षा दोस्तों लेह के अंदर होती है आप लोग याद रखना ठीक है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स याद रखना काली मिट्टी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा याद रखिये दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है और याद रखना कपास को उजला सोना कहा जाता है क्या कहा जाता है उजला सोना कहा जाता है दोस्तों आप लोग याद रखना उजला सोना कपास को कहा जाता है नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है बागरथी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है बागरथी नदी अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है दोस्तों तो याद रखना देव प्रयाग में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा बागरती और अलकनंदा नदी देव प्रयाग में आकर मिलती हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर स्थित है राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स या ना, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा याद किए नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित तमिल right है ऑप्शन नंबर सी आपका तमिलनाडु राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आएंगे फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर कर देंगे आपका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा एमरोल्ड आइलैंड के नाम से अंडमान द्वीप को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है फ्रेंड्स याद रखना लौटता हुआ मानसून ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए लौटता हुआ मानसून के कारण जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है चलिएगा लक्ष्य द्वीप की राजधानी कहां है लक्ष्य द्वीप की राजधानी कहां है आप आंसर करेंगे फ्रेंड्स याद रखना कवरती ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप की राजधानी है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा आप लोग क्वेश्चन बिहार का शो के किस नदी को कहा जाता है सभी आंसर देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार का शो के किस नदी को कहा जाता है दोस्तों याद रखना सभी साथी कोशी नदी को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स याद रखना कोशी नदी को बिहार का शो के कहा जाता है नेक्स्ट क्स्ट अगला क्वेश्चन है आदम ब्रिज किन के बीच स्थित है बहुत ही शानदार आप सभी का जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड्स लाइक शेयर करने के लिए क्लास जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स याद रखना आदम ब्रिज ये किन के बीच में स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स याद रखना डेली रात को आठ बजे लूसेंट जी के होता है रात दस बजे होता है सोने से पहले जीके का डोज अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करना भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है तो याद रखिएगा नारकोंडम द्वीप आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा याद फ्रेंड्स भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पर स्थित है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों याद रखना क्या दामोदर नदी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दामोदर नदी आप लोगे याद रखना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है फ्रेंड्स याद रखना ताप्ती और नर्मदा ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली है ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा बी और सी आप लोग याद रखना ठीक है ना ताप्ती और नर्मदा नदी अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है तो फ्रेंड्स याद रखना पोर्ट ब्लेयर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स अंडमान निकोबार की, की राजधानी पोर्ट बलेर स्थित है ऑप्शन नंबर बी आपका पोर्ट बलेर राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है आप सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स याद रखना क्या रेगुड मिट्टी काली मिट्टी को रेगुड मिट्टी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रेगुड मिट्टी आप लोगे याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है आप सभी साथ ही आंसर कमेंट करेंगे फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही जबरदस्त तैयारी आप सभी की फ्रेंड्स याद रखना सतपुरा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा माला स्थित है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स याद रखना मेघना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड फ्रेंड्स गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मेघना आप लोग याद रखना नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है सभी साथ ही आंसर कमेंट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य से आकर टकराती है तो फ्रेंड्स याद रखना केरल आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा याद रखिए दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में आकर टकराती है ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है आप सभी साथी कमेंट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून आप लोग याद रखना नेक्स्ट है चलेगा किस पर्वतमाला को सहादरी कहा जाता है फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करना किस पर्वतमाला को सहादरी कहा जाता है सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर फ्रेंड्स याद रखना मॉर्निंग में पहली क्लास छे बजकर पंद्रह मिनट पर रहती है दोपहर साढ़े बारह बजे रीजनिंग रहता है और दोस्तों याद रखना छे बजकर पंद्रह मिनट पर इवनिंग में जीके जीएस होता है और दोस्तों रात को आठ बजे डेली होता है लूसेंट जी का निचोड़ तो फ्रेंड्स किस पर्वतमाला को सहादरी कहा जाता है तो याद रखना पश्चिमी घाट को सहादरी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा अगर फ्रेंड्स आप लोग पहली बार यहां पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए काली मिट्टी का विस्तार कहां सर्वाधिक है काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां है तो फ्रेंड्स याद रखना महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा याद रखिए महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग याद रखना नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसको माना जाता है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसको माना जाता है फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स सभी साथी जल्दी से आंसर देंगे फ्रेंड्स याद रखना डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है यूएनओ no की स्थापना किस वर्ष की गई यूएनओ no, दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो इसकी स्थापना कब की गई तो याद रखना नाइनटीन में यूएनओ का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट कीजिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखिए इसकी स्थापना 1945 में की गई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना किस वर्ष की गई फ्रेंड्स तो याद रखना उन्नीस 1956 सिक्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है चलिएगा योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है तो फ्रेंड्स याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया तो फ्रेंड्स याद रखना पंचम ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा पंचम आप लोगे याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है चलेगा बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था फ्रेंड्स तो याद रखना दो हजार बारह से दो हजार सत्रह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दो हजार बारह से दो हजार सत्रह था आप लोग याद रखना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक शेयर करते रहेंगे और अगर आप पहली बार दोस्तों यहां पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा चलेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है सभी साथ ही कमेंट करेंगे फ्रेंड्स याद रखना बेंगलुरु आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बेंगलुरु आप लोगे याद रखना नेक्स्ट है चलेगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई सभी साथी कमेंट करेंगे लाइक शेयर करते हुए सभी याद रखना दीजिए फ्रेंड्स याद रखना 1948 में 1948 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है भारी जल की खोज किसने की थी भारी जल का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला होता है रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और दोस्तों, इसका जो अनुभार, दोस्तों खोज किसने की थी याद रखना एच सी यूरे ने भारी जल की खोज की थी आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थिति को मनाया जाता है लाइक like, शेयर करने के लिए क्लास से जुड़ने के लिए सभी साथियों का दिल से धन्यवाद दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस है चौबीस अक्टूबर को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे के महासचिव कौन थे आप सभी साथ आंसर देंगे फ्रेंड्स याद रखना त्रिगवेली घाना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए त्रिगुवेली घाना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है चलिएगा भाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है भाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है बी ए आर सी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर दोस्तों याद रखना ट्रांबे मुंबई आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा याद रखिए कहां पर है ट्रांबे मुंबई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है फ्रेंड्स याद रखना अंग्रेजी फ्रेंच दोनों है दोस्तों स्पेनिश नहीं है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी ठीक है ना अंग्रेजी और फ्रेंच की कार्यकारी भाषा है ऑप्शन होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी तो फ्रेंड्स याद रखना तृतीय तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी पूरी तरह से असफल रही थी ऑप्शन नंबर सी आपका तृतीय राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है याद रखना नीदरलैंड में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा याद फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है ऑप्शन नंबर होगा अगला क्वेश्चन है भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो दोस्तों याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा याद रखिए यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाला पहला व्यक्ति कौन था अटल बिहारी वाजपेयी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट है चलिएगा वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने देश या कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों तो याद रखना वन नाइनटी थ्री एक सौ तिरानवे वन नाइनटी थ्री ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग याद रखना नेक्स्ट है चलेगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है देखिए दोस्तों कहां पर है कल पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कलपक्कम आप लोगे याद रखना नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो फ्रेंड्स याद रखना टू ईयर्स का ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा याद रखिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होता है अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश तो फ्रेंड्स याद रखना फिफ्टीन ऑप्शन नंबर सी आपका पंद्रह राइट आंसर होगा आप लोग याद रखिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है फटाफट करेंगे फ्रेंड्स याद रखना राजस्थान ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई उन्नीस को किस स्थान पर किया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों लाइक शेयर करते हुए सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया 18 मई उन्नीस याद रखना कब 18 मई उन्नीस को कहां पर है तो दोस्तों याद रखना पोखरण राजस्थान ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पोखरण राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो फ्रेंड्स याद रखना हेरोड डोमर मॉडल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा याद रखिए पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है सभी साथी कमेंट कीजिएगा दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है याद रखिए सुरक्षा परिषद को याद रखना फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है आप लोग याद रखना नेक्स्ट है चलिएगा भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहां स्थापित किया गया जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहां स्थापित किया गया है तो याद रखना नांगल पंजाब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा रखिए ऑप्शन नंबर डी नांगल पंजाब आपका राइट आंसर होगा आप याद रखना नेक्स्ट है चलेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है आप सभी साथ ही कमेंट करेंगे याद रखना फिफ्टीन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा फ्रेंड पंद्रह आप लोग याद रखना नेक्स्ट है चलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए याद रखना रूस आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला पहला देश कौन सा है रूस आप लोग याद रखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बानकी मून किस देश के निवासी है बान की मून किस देश के निवासी हैं तो याद रखना दक्षिण कोरिया ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर है दक्षिण कोरिया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आप लोग याद रखिए नेक्स्ट है चलेगा काकर पारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहां पर स्थित है काकर पारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहां पर स्थित है सभी साथ ही कमेंट करेंगे फ्रेंड्स याद रखना गुजरात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा याद रखिए गुजरात आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग याद रखना नेक्स्ट है चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया, किया गया था तो याद रखना अमेरिका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा याद रखिए फ्रेंड्स वीटो का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के द्वारा यूएनओ में किया गया अगला क्वेश्चन है चलेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स याद रखना नो वर्ष का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल नो वर्षों का होता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों शुरुआत के दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया सुनीता विलियम्स ने ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आप लोग देखिएगा नेक्स्ट है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे पानी की टंकी में काय को रोकने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखना कोपर सल्फेट का ऑप्शन बी सल्फेट आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा देखिएगा है दोस्तों गैस को जब नियत ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों क्या पड़ता है दोनों घटते हैं गैस को जब नियत ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान दोनों क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं घटते हैं ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा आयतन भी घटेगा और तापमान भी घटेगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है किसके लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों है है किसके लिए प्रसिद्ध तो याद रखना भारी जल के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है भारी जल के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भारी जल याद रखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए किसी देश में मुद्रास्पीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है किसी देश में मुद्रास्पीति होने से सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है तो दोस्तों याद रखिएगा लेनदार को किसको मिलता है लेनदार को सबसे अधिक लाभ मिलता है ऑप्शन डी लेनदार राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है सीसा का, का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था तो दोस्तों याद रखना सातवाहन वंश के शासकों ने सीसा का सिक्का सबसे पहले चलाया था ऑप्शन ए सातवाहन वंश राइट आंसर होगा नेक्स्ट दोस्तों कमेंट करना चाहिए हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है तो दोस्तों राइट आंसर होगा झारखंड ऑप्शन सी झारखंड इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा याद रखिएगा नेक्स्ट है देखिएगा कैल्यूनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है गैलनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों याद रखना जस्ता धातु का ऑप्शन बी जस्ता राइट आंसर होगा याद रखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जेंटिया कहां की प्रमुख जनजाति है जेंटिया कहां की प्रमुख जनजाति है तो याद रखिएगा मेघालय की ऑप्शन ए मेघालय राइट आंसर होगा आप लोग देखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किसका उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है में, तो A, में से किसका उपयोग है भूकंप की तीव्रता को मापने में कह जाता है स्पेक्ट्रम में सबसे कम किस रंग का होता है तो याद रखना राइट आंसर होगा नीला ऑप्शन बी नीला रंग का त्रंग धैर्य सबसे कम होता है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है तो याद रखिएगा नोरू ऑप्शन सी नोरू आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है तो याद रखना गांधीनगर में ऑप्शन है राइट आंसर होगा और दोस्तों ये जो गांधीनगर है ये गुजरात राज्य की राजधानी है आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिएगा रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है तो दोस्तों तो याद रखेगा राइट आंसर होगा सऊदी अरब में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रास्तरा तेल रिफाइनरी कहां पर है सऊदी अरब में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा है विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है तो दोस्तों तो 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 याद रखना जिब्राल्टर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जिब्राल्टर आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बोक्साइट किस धातु का अयस्क है बुक्स आइटे निम्न में से किस धातु का अस्क है तो याद रखना एलुमिनियम का ऑप्शन सी एलुमिनियम आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिएगा लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है तो दोस्तों लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है तो याद रखना सिक्किम ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सिक्किम ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया कानबर्ग ने ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कानबर्ग आप लोग याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट है देखिएगा गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है कमेंट करना धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था तो दोस्तों याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद का नाम था धनपत राय आप लोग रखना ऑप्शन डी राइट right आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद नेक्स्ट देखिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहा कहां पर है तो याद रखना कटक में ऑप्शन डी कटक आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा नेक्स्ट है देखिएगा विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो याद रखना दोस्तों अंग्रेजी है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पहले चीनी भाषा थी मंदारी अब अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है ऑप्शन बी अंग्रेजी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है देखिएगा क्रिकेट तो तो दिखेंग तो बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है तो दोस्तों याद रखना चार दशमलव पांच इंच होती है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चार दशमलव पांच इंच आप लोग एकमात्र पाकिस्तानी कौन था भारत रत्न दोस्तों भारत देश का सर्वोच्च नागरिक है नागरिक सम्मान है तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन था तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शन बी राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी जिसको भारत रत्न दिया गया याद रखिए नेक्स्ट है उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है तो याद रखना जापान को किसको कहा जाता है जापान देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है ऑप्शन डी जापान राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा ने और आजकल लास्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो दोस्तों याद रखना वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अगर आप यहां पर पहली बार आए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिएगा दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक गुड बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत वे मातर